हेलो हेलो फेसबुकर्स यूट्यूबर्स गूगलर्स कैसे हैं लोग। आम झकास कपूर झकास कपूर। आई एम द ओनली बॉलीवुड एक्टर हु इज बीन टू हॉलीवुड। और मैं सब कुछ सीख के आया, इंग्लिश भी सब कुछ सीख के आया, बहुत कुछ सीख के आया। अरे इतना इंग्लिश सीखा है कि मेरे अंदर बहुत भड़ा पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर निकालो, आप सबको सिखाओ, भारत के बाप भाई माँ बहन सबको सिखाओ। यू नो इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियाज, यू नो इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियाज ब्रदर्स सिस्टर्स एवरीबॉडी इज राइट। तो सबको इंग्लिश सिखाने का प्लान किया मैंने, इसलिए मैंने शुरू किया है AK's इंग्लिश क्लासेस 24 आवर्स। यानी कि 24 आवर्स 24 सवाल आप मुझे पूछ सकते हो और 24 आवर्स में जवाब भी दूंगा। यानी कि घंटे का सवाल घंटे का जवाब आपको दूंगा। तो इस घंटे का सवाल पूछा है संजय जाधव जी ने। संजय जाधव जी पूछते हैं कि एनल एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए संजय जी, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि मान लेना, मतलब आपकी तरह और जनता की तरह मैंने भी मान लिया है कि मेरी बेटी कुछ इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। बिल्कुल नहीं। अरे संजय जी होंगी भी कैसे, हाँ जब भी उसको बोलता था कि बेटा एक्टिंग कर एक्टिंग कर पिक्चर कर, तो बोलती थी डैड आई एम डूइंग ऐड, डैड आई एम डूइंग ऐड, तो हो गए फिर सैड। अब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है यानी कि EXCEPT, उसका मतलब होता है कि इसके अलावा, मतलब किसके अलावा, मतलब सोनम के अलावा, कौन उसका भाई मिर्जिया वो भी ऐसी एक्टिंग के मामले में। संजय जी सच बताओ, अखे थिएटर में उसके पिक्चर को हमारी फैमिली को छोड़ के कोई भी नहीं था। देर वॉज नो बड़ी, देर वॉज ओनली AK फैमिली, एक ही फैमिली, एक एक ही फैमिली। मतलब कहकर दुख होता है, संजय जी कहने के भी दुख होता है कि मैं इकलौता ऐसा बाल बच्चे वाला एक्टर हूँ जो अखे इंडस्ट्री में अपने बाल के लिए फेमस हूँ, बच्चों के लिए नहीं। आई थिंक संजय जी आपको अपना सवाल का जवाब मिल चुका है। लेकिन संजय जी मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट को छोड़कर एक और वर्ड होता है जो कि है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद, उम्मीद यानी कि एक्सपेक्टेशंस। और एक्सपेक्ट आप कर सकते हो सिर्फ मुझसे AK से, फ्रॉम द AK's इंग्लिश क्लासेस। तो इसी तरह आपने सवाल भेजते रहिए ओनली ऑन घंटे का सवाल @gmail.com, और मैं इसी तरह से आपके सवाल का जवाब देता जाऊँगा ओके बाय। चगास।